हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल पाउंड केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी होता है ये केक। इसे मैंने एग के साथ बनाया है। आप चाहें तो इसे बिना एग के भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्सचर जो होता है वो अलग होगा, क्योंकि जो मोस्टली बेकरी में एग का यूज़ करते हैं, जो उससे केक एकदम मॉइस्ट और फ्लफी बनता है, बहुत ही अच्छा केक बनता है। अगर आप एग खाते हैं तो आप ये वाले केक की रेसिपी को तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ईजी है ये वाला केक। और अगर आपको बेकरी की रेसिपीज पसंद आती है तो ये वाला केक तो मस्ट ट्राई है मेरी ओर से। तो चलिए हम रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इस पर हम यहाँ पे 1/4 कप शुगर लेंगे। अगर आप पाउडर शुगर का यूज़ कर रहे हैं तो आप 1/2 कप पाउडर्ड शुगर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/4 कप ही ऑयल लिया है। अगर आप जो है बटर का यूज़ करते हैं तो आप बटर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो शुगर और ऑयल है उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आपके पास हैंड विस्कर है इलेक्ट्रिक वाला, तो उसकी हेल्प से अगर आप करेंगे तो बहुत ही फ्रदी हो जाएगा ये मिक्सचर। तो मेरे पास तो मैंने यहाँ पे ये जो नॉर्मल हैंड विस्कर होता है उससे ही करा है। तो उसे अच्छे से फेंटना है कम से कम आपको 5 मिनट तक के लिए। इसके बाद हम इसमें, क्योंकि वो फ्लफ़ी होना चाहिए, इसके बाद हम एग डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 एग लिए हैं, वो हम 1/1 करके इसमें डाल देंगे। तो पहले 1 एग डाला, उसके बाद से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आप जो इलेक्ट्रिक हैंड विस्कर का यूज़ करते हैं तो उससे ये जो प्रोसेस भी थोड़ा इजी हो जाती है, और ये जो मिक्सचर है बहुत ही फ्रदी बनता है, बहुत ज़्यादा इसमें वो फूल जाता है। तो मैंने अब दूसरा एग भी इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसे मिलाएंगे। तो इसे आपको अच्छे से फेंटना है कम से कम 5 मिनट तक के लिए। आपको इसे अच्छे से विस्क करना है ताकि इसमें ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो जाए। तो आपको यहाँ पे मेजरिंग कप का यूज़ करना है। मेजरिंग कप नहीं है तो आप एक कोई कटोरी ले लीजिए, उससे आप अच्छे से मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 कप मैदा लिया है। तो इसमें हम जो मैदा है, आप होल व्हीट फ्लावर का यूज़ भी कर सकते हैं, बट उससे वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप मैदा ले लिया है। तो इसके बाद हम इस सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अब थोड़ा सा ये जो मिक्सचर है मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैं यहाँ पे जो है वो इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल रही हूँ, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सेटिन कंसिस्टेंसी में ये मिक्सचर आ जाए। और अब यहाँ पे मैं वनीला फ्लेवर डाल रही हूँ। अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप 1/2 कप कर्ड ले सकते हैं और कंडेंस्ड मिल्क ले सकते हैं। तो मैंने आपको जो है ऑप्शंस बता दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। तो 1/2 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून हम यहाँ पे बेकिंग सोडा लेंगे। तो जो मैं कह रही हूँ कि अगर आप एग नहीं खा, थोड़ा सा हम इस पर नमक डाल देंगे। एग नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे 1/2 कप कर्ड ले सकते हैं और कंडेंस्ड मिल्क ले सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क अगर आप लेते हैं तो जो शुगर है उसको, उसकी जो क्वांटिटी है वो आप कम कर सकते हैं, क्योंकि कंडेंस मिल्क स्वीट होता है। इसलिए सारे मिक्सचर को अच्छे से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो रही है, और इसे हमें ये कट एंड फोल्ड मेथड से इसे अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही स्मूथ इसका बैटर रेडी होता है। और अगर आप हैंड विस्कर जो इलेक्ट्रिक वाला होता है उससे करेंगे तो ये जो बैटर है बहुत फ्रती हो जाएगा, और जो उसे हम बेक करेंगे तो बहुत अच्छा ही केक बनेगा। इसे मैंने अब जो है लोफ टिन में अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया था, इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। और इसे अभी मैं 180 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। इसे एक बार अच्छे से टैप कर देंगे। आप इसे जो है कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे निकाल देंगे। तो देख सकते हैं आप, केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसे मैंने अभी निकाल दिया है, उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे अच्छे से कट करेंगे। तो अभी ये ठंडा हो चुका है। अब मैं जो पीसेस हैं वो कट कर रही हूँ, और अब आपको मैं दिखाऊंगी कि इस
का जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा आता है। अब आप देख सकते हैं इसमें जाली भी कितनी अच्छी बनी हुई है। बहुत ही टेस्टी केक बनता है, आप इसे कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सच में आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मैंने आपको सारे सब्स्टिट्यूट भी बता दिए हैं, एग नहीं खाते हैं तो आप उसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं। और मॉइस्ट केक बनता है, बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप एग खाते हैं तो आप एग का ही इसमें यूज़ कीजिए। वनीला फ्लेवर डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे जो एग का स्मेल है वो भी नहीं आता है और फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है। तो एक बार फिर मिलूंगी मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को इन्जॉय कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।